गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वेलकम टू परफेक्शन आई एस यूट्यूब चैनल सो टोडे वी आर गोइंग टू सी एट्थ ऑफ अगस्त करंट अफेयर्स विच आर रेलिवेंट फॉर अपकमिंग पी पी एग्जामिनेशन और ये टॉपिक्स मैंने द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस और बहुत सारे रीजनल न्यूज़ से मैंने इन टॉपिक्स को उठाया है बीच में कुछ क्वेश्चन भी है जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बढ़ जाएगा इसमें एक बार ओवरऑल देख लेते हैं क्या क्या है बिहार न्यूज़ है नेशनल न्यूज़ है साइंस एंड टेक इंटरनेशनल और मिस्लिनियस टॉपिक है तो एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को देखेंगे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक है बिहार से रिलेटेड सीमेंट फैक्ट्री इन बिहार मतलब बिहार में सीमेंट फैक्ट्री आने वाली है कहां आने वाली है वर्सलीगंज जो कि नवादा डिस्ट्रिक्ट में है ठीक है तो आप याद रखेंगे कहां पे आने वाली है नवादा के वर्सलीगंज एरिया में ठीक है नवादा की लोकेशन क्या है साउथ ऑफ बिहार ये चीज आप ध्यान रखेंगे अभी देखते हैं पूरी न्यूज क्या है पूरी न्यूज ये है कि सोलह सौ सो करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है कौन करेगा अडानी करेगा अडानी का अडानी का अंबोजा सीमेंट जो उनकी कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट करने वाली है सोलह सौ सो करोड़ की और टोटल फैसिलिटी कितने की बनेगी सिक्स मिलियन टन पर एनएम सिक्स मिलियन टन पर एन की फैसिलिटी बनेगी और फर्स्ट फेज में टू पॉइंट फोर एम के दिसंबर तक रेडी हो जाएगा ठीक है तो ये चीज आपको ध्यान रखना है यह आ सकता है सिक्स एम का इन्वेस्टमेंट सिक्स एम की टोटल फैसिलिटी बनने वाली है और फर्स्ट फेज में टू पॉइंट की मतलब ग्यारह करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ टू पॉइंट की फर्स्ट फैसिलिटी तैयार हो जाएगी फर्स्ट फेज में ठीक है तो ये कहाँ पे होगा इन्वेस्टमेंट पूरा नवादा में होगा वहां के वर्सलीगंज एरिया में होगा ठीक है एक बार आगे हम लोग देख लेते हैं न्यूज देख लेते हैं न्यूज़ क्या है अडानी अम्बूजा सीमेंट टू इन्वेस्ट सोलह सौ करोड़ इन बिहार टू सेटअप ग्राइंडिंग यूनिट ठीक है ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं इसमें रिवील प्लान फॉर न्यू सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट इन वर्सलीगन बिहार मतलब सेम न्यूज़ दे रखी है अलग अलग न्यूज़ से ठीक है अलग अलग न्यूज़ पेपर का कटआउट ये एक बार बिहार बिहार का हम लोग देख लेते हैं है, मैप देख लेते हैं यहाँ पे नवादा आपने देख लिया साउथ ऑफ बिहार में और भी आपको अगर कोई लोकेशन देखनी है तो आप चेक कर सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड है शैलेश कुमार सिन्हा इनके बारे में कल मैं आपको बता चुका हूं तो ये ये क्या है इन्हें नियुक्त कर दिया गया है लोकपाल किसका बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का ठीक है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का इन्हें लोकपाल नियुक्त कर दिया है क्योंकि जो हाईकोर्ट है उनको बहुत ज़्यादा कंप्लेन मिल रही थी जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा धांधली हो रही है और जो प्लेयर्स हैं मतलब जो नए लड़के हैं जो कि खेलना चाहते हैं उनको गलत तरीके से पैसों के दम पर ले लिया गया तो इन धांधली को देखने के लिए शैलेश कुमार सिन्हा को नियुक्त कर दिया गए हाईकोर्ट की तरफ से और ये पहले रिटायर्ड जस्टिस रह चुके हैं ठीक है थीके? ये पहले हाईकोर्ट के हाईकोर्ट में जस्टिस थे अब ये रिटायर हो चुके हैं तो ये न्यूज़ देख लीजिए पटना हाईकोर्ट ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार को लेकर दायरे राजा पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शैलेश कुमार सिन्हा को लोकपाल नियुक्त कर दिया गया ठीक है बिहार में क्रिकेट की हालत क्या आपको पता ही है वहाँ के एसोसिएशन में भी बहुत ज़्यादा करप्शन होता था उसके लिए इन्हें नियुक्त करा गया लोकपाल ठीक है नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड नेशनल न्यूज़ से रिलेटेड है न्यूज़ क्या है गवर्नमेंट इशू ट्रेवल एडवाइजरी ठीक है अभी एडवाइजरी किसके लिए एडवाइजरी है वेस्ट की एक बहुत जिस फेमस कंट्री जहाँ पे सब लोग जाना चाहते हैं वो है यूके 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 के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है एक्सटर्नल अफेयर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ठीक है अब क्यों करी गई है क्योंकि वहां पे लेफ्ट विंग और राइट right विंग की फाइट चल रही है वहां पे एक दंगा टाइप का चल रहा है रॉइस चल रहा है क्यों चल रहा है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले अभी कुछ दिन पहले एक सत्रह साल के युवक ने तीन साल की तीन चार साल की जो तीन बच्चियां थी तीन, तीन चार बच्चियां थी उनको जाके मार दिया बेमतलब का ठीक है चाकू से मार दिया और फिर उस पर आरोप लग गया कि वो एक इमिग्रेंट है पर सच में वो इमिग्रेंट ही है पर वो 10-11 साल पहले आया था यूके में ना कि दो तीन साल पहले पर वहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी गई कि जो इमिग्रेंट है वो भी वो भी दो तीन साल पहले ही आया है क्योंकि दस ग्यारह साल तो बहुत होते हैं किसी भी सोसाइटी में घुलने के लिए पर वो जो इमिग्रेंट है उसने मतलब उसको पता नहीं क्या ऐसा चढ़ा कि वो सत्रह साल का और उसने जाके एकदम से सबको मार दिया तो एक तरीके से पूरा रॉयट्स वाला सिचुएशन हो गया वहाँ पर राइट विंग वर्चे लेफ्ट विंग और अभी वहाँ पर जो पार्टी पावर में होती पावर में है वो लेबर पार्टी है ये चीज़ आपने आपको ध्यान रखनी है क्योंकि वहां पे अभी अभी इलेक्शन हुए थे और ऋषि रिशीशुनाक हार गए थे इतना हम लोग देख के आगे बढ़ेंगे इससे पहले एक और चीज़ देख लीजिए आप ठीक है इसमें आपको ये देखना है कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहां पर अभी रिसेंटली ट्रेवल एडवाइजरी इंडिया ने जारी किया ठीक है तो एक तो यूक्रेन में क्या था और कहाँ किया है कैनेडा के लिए किया है इसराइल के लिए किया है और अभी यूके भी आ गया ठीक है तो ये सारी कंट्रीज आप देख लीजिएगा एक बार आपको थोड़ा दिमाग में होना चाहिए अगर बोला वेस्ट की कोई बड़ी कंट्री है मतलब अभी रिसेंटली हुआ है तो आप यूके टिक करेंगे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड है बिम्स्टेक से रिलेटेड बिम्स्टेक का बिजनेस मिट इंडिया होस्ट करने वाला है पहला कहाँ पे होस्ट करेगा ये न्यू दिल्ली में करेगा सात से छह से आठ अगस्त मतलब अभी चल रहा है ठीक है अभी बिजनेस बिम्स्टेक का बिजनेस मिट होस्ट किया इंडिया ने अब बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं इसकी स्थापना कभी थी इसकी स्थापना हुई नाइनटीन में किसके बाद बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद ठीक है अभी इसमें टोटल सेवन कंट्रीज है पर पहले चार थी चार के नाम आपको बताने हैं दो कंट्रीज जुड़े नेपाल और भूटान कब जुड़े दो में ये चीज़ मैं आपको बताया तो चार कंट्रीज पहले क्या कौन सी थी उसके नाम आप पहले बताएंगे मुझे ठीक है इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है ये कब जुड़े 2004 में इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं फर्स्ट बिम्सक बिजनेस समिट हैज बीन हेल्ड ऑन एट अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी फोर मतलब अभी चल रही है बिमस्टेक रीजनल ग्रुप ऑफ सेवन कंट्रीज मैं आपको बता चुका हूँ इसका सेक्रेटेरिएट कहां पर इसका सेक्रेटेरिएट है ढाका बांग्लादेश में ठीक है तो ये चीज देख के अभी आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक बार देख लेते हैं बिमस्टेक है Bimsteak, इसका सेक्रेटेरिएट कहां पे ढाका बांग्लादेश ढाका बांग्लादेश अब देखिए बी से बी आपको याद रहेगा बिम्स्टेक का बांग्लादेश का कहां पे है अगर सार का पूछे तो है काठमांडू नेपाल में ठीक है तो सार्क काठमांडू नेपाल में है और बिम्स्टेक का कहां पे है बांग्लादेश में है आपको ये देखना है नेपाल सार्क में भी है और बिम्स्टेक में भी है ठीक है बिमस्टेक हमने क्यों बनाया था बिम्स्टेक बनाने के बाद और अभी हम लोग ज्यादा ज्यादा बिमस्टेक को वैल्यू भी देते हैं सार्क सार्क के मुकाबले हम लोग बिम्स्टैक को ज़्यादा वैल्यू देते हैं क्योंकि सार्क में पाकिस्तान भी है वो बहुत ज़्यादा अड़ंगा डालता रहता है मतलब 2016-17 जब उड़िया अटैक हुआ था उसके बाद तो हम लोगों ने उड़िया अटैक के बाद एक तरीके से सार्क में जाना ही बंद कर दिया फिर उसकी उसकी वजह से हम लोग सबसे बड़ी कंट्री है तो सार्क की मीटिंग भी नहीं होती एक बार कोविड के टाइम पर हुई थी पर वैसे उसकी मीटिंग नहीं होती अब सार्क की ठीक है तो हम लोग बिम्स्टेक को ज़्यादा वैल्यू देते हैं क्योंकि इसमें पाकिस्तान नहीं है हमें पाकिस्तान को आइसोलेट करना था तो ये एक तरीके से जियो पॉलिटिक्स मैंने आपको समझा दिया बिमस्टेक का कहाँ पे ये है सेक्रेटेरिएट कहां पर ढाका में बांग्लादेश में और सार्का कहां पे काठमांडू में ठीक है इसे कब बनाया गया था इसे 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद बनाया गया था इसके बाद बैंकॉक डिक्लेरेशन इससे पहले वाली करंट अफेयर्स क्लास में मैं एक चीज और आपको बता चुका हूं बैंकॉक डिक्लेरेशन एक और बैंकॉक डिक्लेरेशन हुई थी कब हुई थी सिक्सटी 19, सेवन में और उस टाइम क्या बना था उस टाइम बना था आशियान ठीक है मतलब समझ में आ गया मतलब बैंकॉक डिक्लेरेशन दो बार हुई है ठीक है ये एक ही नहीं है ये दो बार हुई है एक 1997 में एक 1967 याद रहेगा 1967 और 97 एक बार क्या बना आशियान और एक बार क्या बना एक बार बना बिमस्टैक ठीक है ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे बैंकॉक डिक्लेरेशन अगर आपसे पूछ लिया तो किससे रिलेटेड है एक तो आशियान से भी रिलेटेड है और ये बिम्स्टेक से भी रिलेटेड है ठीक है तो ये दो चीज़ देख लेंगे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं बैंकॉक डिक्लेरेशन के बारे में आपको बता दिया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है नेक्स्ट स्लाइड ये मैंने कटआउट डाल रखा है मतलब वहाँ का स्क्रीनशॉट डाल रखा है उनके उनकी वेबसाइट का क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बिमस्टेक इज आर करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट बिमस्टेक के लिए करेक्ट है क्वेश्चन क्या है बिमस्टेक वॉज स्टेब्लिश्ड इन नाइनटीन थ्रू द बैंक ऑफ डिक्लेरेशन ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 1997 में हुआ और बिमस्टे डिक्लेरेशन के बाद हुआ तो फर्स्ट इज करेक्ट सेकंड देख लेते हैं द हेड क्वार्टर ऑफ बिमिमस्टेक इज लोकेटेड इन ढाका बांग्लादेश ये भी मैं आपको बता चुका हूँ ढाका बांग्लादेश में इसका लोकेशन है सार का कहाँ पर सार का है काठमांडू नेपाल में और आशियान का कहाँ पे ये आप मुझे बताएंगे ठीक है थर्ड थर्ड देखते हैं म्यांमार इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिमस्टेक ये रॉन्ग है ये रॉन्ग है म्यांमार भाई इसका मेंबर uh, है ठीक है मेंबर हम लोग एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको मेंबर कौन कौन से नंबर है बांग्लादेश भूटान इंडिया म्यांमार थाईलैंड श्रीलंका नेपाल अब आप एक पूरा मैप लीजिए और उसमें लोकेट कर लीजिए ये सारी कंट्रीज आस, आप आसपास में ही आपस में कनेक्टेड है ठीक है आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन है लगता है एक और क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिमस्टेक बिमस्टेक से रिलेटेड क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है इसको हमें देखना है पहला स्टेटमेंट क्या है बिमस्टेक कंसिस्ट ऑफ कंट्रीज फ्रॉम साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया ठीक है साउथ एशिया से क्या इंडिया बांग्लादेश सब हो गया ठीक है साउथ ईस्ट एशिया से म्यांमार और थाईलैंड हो गया ठीक है तो ये तो करेक्ट है सेकेंड इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया अमंग द बिमस्टेक मैंबर स्टेट ऑब्वियसली ये तो सही है ठीक है थर्ड बिमस्टेक फोस ऑन सेक्टर लाइक ट्रेड टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म ये भी सही है ठीक है तो ये मिलिट्री से रिलेटेड ग्रुप नहीं है ये ट्रेड टूरिज्म इन सब चीज़ों से रिलेटेड ग्रुप है ठीक है तो ये चीज आपको ध्यान रखना है फर्स्ट सेकंड थ्री इज ऑल आर करेक्ट तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑल आर करेक्ट नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड है इंडियन नेवलशिप तबार तबार के बारे में कही गई है तबार के बारे में क्या कही गई है इंडियन नेवलशिप तबार कंडक्ट एक्सरसाइज विद जर्मन नेवी इन हमबर्ग हमबर्ग ठीक है हमबर्ग क्या है एक पोर्ट है कहाँ का जर्मनी का ठीक है ये आपको पता होना चाहिए हम्बर्ग क्या है एक पोर्ट है किसका जर्मनी का अब इंडियन नेवलशिप तबार के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता होना चाहिए अब इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ये दो जगह गया इसने दो जगह भी मिलिट्री एक्सरसाइज करी है मेरी पार्टनरशिप एक्सरसाइज करके कुछ क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन आएगा उसमें पूछेगा पूछेगा कि कौन सी कंट्री के साथ करी करिए इसने दो कंट्री के साथ करी है जुलाई में करी तीस जुलाई को किसके साथ रशिया के साथ ठीक है कहाँ पे ये सेंट पीटर्सबर्ग गया हुआ था किस लिए गया हुआ था क्योंकि रशियन रशियन की जो नेवी है रशियन नेवी डे था वहाँ पे क्या होता है पार्टिसिपेट करने के लिए फिर 30 जुलाई को आते टाइम इसने मैरिटाइम टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज करी उसके बाद तो 5 अगस्त को 5 अगस्त को इसने किसके साथ करी जर्मनी में जर्मनी में करी जर्मनी में कहाँ करी इसने करी कील केनाल में तो कील केनाल की मैं भी लोकेशन आपको बताऊंगा तो आपको इतना पता चल गया आई एन एस की आई एन एस दबार ने दो जगह अप, अपनी मेरी पार्टनरशिप एक्सरसाइज करी है कहां कहां पे रशिया में करिए और जर्मनी में किए जर्मनी में कहां किए की कील कैनाल में ठीक है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए रशिया में क्यों गया था क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग में वहां पे रशियन नेवी डे सेलिब्रेट कराया जा रहा था तो वहां पे पार्टिसिपेट करने के लिए ठीक है ये चीज आपको पता होना चाहिए सेंट पीटर्सबर्ग की लोकेशन आप मुझे बताएंगे कील कैनाल की लोकेशन मैं आपको बताऊंगा ठीक है आगे बढ़ते हैं आई तबार सॉरी आइनस दबार कंडक्टेड अरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद जर्मन नेवी ये तो हमने पढ़ लिया सेकंड देखते हैं लोकेशन नियर कील केनाल ऑन फिफ्थ अगस्त ये भी हमने देख लिया ठीक है आइनस दबार हेडविस्टेड हैम्बर्ग जर्मनी जर्मनी में सत्रह से बीस तारीख को ये वहाँ पर भी हैम्बर्ग में भी गया था हेमबर्ग का एक पोर्ट है जर्मनी का बहुत फेमस ठीक है ये आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं आइन एस दरबार के बारे में ही आइन एस दबार कहाँ पर गया था सेंट पीटर्सबर्ग में भी गया था रशिया में टू पार्टिसिपेट इन थ्री ट्वेंटी एट रशियन नेवी डे परेड सेलिब्रेशन ऑन ट्वेंटी फिफ्ट जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ऑन तीस जुलाई इसने मेरी पार्टनरशिप एक्सरसाइज करी उसके साथ ठीक है अब ये देख के हम लोग आगे बढ़ेंगे बता चुका हूँ कहां कहा किया जर्मनी में किया और रशिया में किया दोनों कंट्री के साथ आई एन एस ने अभी मैरी पार्टनरशिप एक्सरसाइज किया आगे देखते हैं इसमें मैंने कुछ एक्सरसाइज के बारे में लिख दिया बहुत सारे एक्सरसाइज है उसके लिए एक सेपरेट क्लास लगेगी वो मैं संडे स्पेशल नहीं तो मंडे स्पेशल करके वो क्लास को अलग से ले लियाऊंगा अभी सिर्फ हम चार एक्सरसाइज के बारे में देखते हैं जो कि बहुत फेमस है ये तो दो बांग्लादेश वाली क्योंकि बांग्लादेश में को हुआ है तो बांग्लादेश के बारे में हम रोज कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे ठीक है फर्स्ट क्या है नोमेडिक एलिफेंट ये किसके बीच में होता है इंडिया और मंगोलिया के बीच में हुआ है और रिसेंटली कब हुआ है अभी रिसेंटली पिछले महीने ही हुआ है थर्ड टू सिक्सटीन जुलाई 2024 में ठीक है तो नोमेडिक एलिफेंट याद रखेंगे आपको पिछले एक डेढ़ साल में हुए जितने भी एक्सरसाइज है वो सारे एक्सरसाइज याद होने चाहिए उसके लिए एक मैं सेपरेट क्लास संडे स्पेशली तो मंडे स्पेशल करके ले आऊंगा आगे देखते हैं एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया एलिफेंट मतलब एलिफेंट मतलब घूमने वाला हाथी ठीक है जो नोमैडो ठीक है तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा लेंगे मंगोलिया है मंगोलिया के बारे में इस तब आप ज़्यादा सुनते भी नहीं होंगे तो इंडिया का एलिफेंट का कनेक्शन किससे इंडिया से कनेक्शन है ठीक है तो इंडिया के पास वाली कंट्री कौन सी है मंगोलिया अब मंगोलिया के बॉर्डर किस किस के साथ लगते हैं मंगोलिया के बॉर्डर सिर्फ दो कंट्रीज के साथ लगते हैं पहले तो मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री है ठीक है इसका बहुत सारा हिस्सा खाली ऐसी पॉपुलेशन बहुत कम है ठीक है मंगोलिया सिर्फ दो कंट्री से बॉर्डर लगती है किस साथ रशिया और चाइना के साथ ये आपको पता होना चाहिए मंगोलिया के साथ हम लोगों का एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है कौन सी होती है नोमेटिक एलिफेंट अब है बांग्लादेश बांग्लादेश में बांग्लादेश के लिए होती है संप्रति संप्रति का इलेवेंथ एडिशन हुआ था कब हुआ था इंडिया और बांग्लादेश आर्मी के बीच में हुआ था पिछले साल थर्ड अक्टूबर दो से लेकर थर्ड अक्टूबर दो में होता तो कहाँ पे होता उमरोई मेघालय में, में ठीक है जो नोमेडिकल इफेंट हुआ था वो भी उमरोई मेघालय में ही हुआ ठीक है मेघालय की लोकेशन आपको पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसको आपको ये चेक करना है कि वो बांग्लादेश के साथ उसका बॉर्डर लगता है कि नहीं लगता ठीक है ये चीज़ आप चेक करेंगे सेकंड समृति लेवन एडिशन याद हो गया है, बोंगो सागर, बोंगो से आपको याद और बांग्लादेश की नेवी से रिलेटेड है नदन बे ऑफ बंगाल में सेवन और नाइन्थ नवंबर तो दो को हुआ था ठीक है पिछले साल हुआ था नवंबर में और एक हुआ था अक्टूबर में अब इस साल होगा कि नहीं होगा वो बाद में देखी जाएगी फोर्थ देखेंगे इंदिरा इंदिरा किसके बीच में रशिया आर्मी और इंडिया आर्मी ऑब्वियसली क्योंकि इंदिरा इंदिरा गांधी जब उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी जब हमने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे और उस टाइम रशिया ने हमारी हेल्प की थी तो एक इंदिरा नाम से भी हमारी एक्सरसाइज है किसके बीच में होगी रशिया आर्मी और इंडिया आर्मी ऑब्वियसली अमेरिका के साथ तो नहीं होगी हमारी तो रशिया आर्मी और इंडिया आर्मी ठीक है ये चीज़ याद रखेंगे नोमैडिक संप्रति बोंगो सागर इंदिरा गांधी नोमैडिक किसके साथ है उमरोई मेघालय में इंडिया मंगोलिया ठीक है संप्रीति 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 इंडिया और बांग्लादेश ठीक है मेघालय में हुआ है बोंगो सागर इंडिया एंड बांग्लादेश नेवी बोंगो सागर बोंगो सागर बंगाली नाम लग रहा है आपको और सागर मतलब समुद्र मतलब समुद्र से रिलेटेड है मतलब इंडिया एंड बांग्लादेश नेवी फोर्थ है इंदिरा इंदिरा किसके बीच में रशिया आर्मी और इंडिया आर्मी आगे बढ़ते हैं आगे मैंने अभी कील केनाल के बारे में बताया था आपको कि इंडियन नेवलशिप कहा गई है जर्मनी में गई है और रशिया में गई है तो ये कील केनाल की मैंने एक तरीके से आपको लोकेशन दे दी कील केनाल है कहां पे कील केनाल कहाँ पे है यह है जर्मनी में ठीक है ये जो पूरी कंट्री है नीचे है जर्मनी जर्मनी में एक जगह है जर्मनी की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है जर्मनी की जो कैपिटल है उसका नाम है बर्लिन और जर्मनी की एक फेमस रिवर है कौन सी रिवर है राइन रिवर ठीक है अब आपको देखना है कि उसका माउथ कहाँ जाता है नॉर्थ सी में जाता है कि बाल्टिक सी में जाता है ये आप चेक करके बताएंगे ठीक है तो जर्मनी की एक फेमस रिवर राइन तो क्वेश्चन है अगर राइन किससे कनेक्टेड है तो आप जर्मनी टिक कर सकते हैं और भी तीन चार कंट्रीज है उसके बारे में आप देखेंगे अभी करेंट को करेंट की तरह ही लेते हैं ठीक है तो राइन रिवर एक रूहर वैली है ठीक है रुहर वैली कहां पे है ये भी जर्मनी में तो ये आपको ध्यान रखना है जर्मनी का कनेक्शन रुहर वैली राइन रिवर बर्लिन कैपिटल और कील कैनाल जर्मनी में है ठीक है अब ये देख के हम लोग आगे बढ़ते हैं ये बाल्टिक सी ये नोर्थ सी आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड और एक और चीज आ सकता है कि कील कैनाल किसको कनेक्ट करता है तो ये कनेक्ट करता है नॉर्थ सी को और बाल्टिक सी को ठीक है किसको नॉर्थ सी को बाल्टिक सी को कौन कनेक्ट करता है कील कैनाल ठीक है तो ध्यान रखेंगे कील कैनाल किसको कनेक्ट करता है नॉर्थ सी को और बाल्टिक सी को नेक्स्ट स्लाइड आगे देख लेते हैं इसको हमने थोड़ा जूम आउट कर लिया ये रही ये ये जर्मनी ठीक है ये रहा ऊपर डेनमार्क अब ये है ये है बाल्टिक सी क्या है ये बाल्टिक सी मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ इसमें दिखा चुका हूँ यह है बाल्टिक सी यह गल्फ ऑफ बोथनिया ये यहां पे फिनलैंड है इसके नीचे है गल्फ ऑफ फिनलैंड गल्फ ऑफ फिनलैंड यहाँ पे ये यह है गल्फ ऑफ रीगा गल्फ ऑफ रीगा रीगा एक किसी कंट्री की कैपिटल भी है वो आप बताएंगे तो गल्फ ऑफ रेगा कहां ये हो गया गल्फ ऑफ फिनलैंड ये गल्फ ऑफ ये 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 हो 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 गया sea, हो गया ये हो गया बाल्टिक सी 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 नॉर्थ नॉर्थ ठीक है यूके और फ्रांस के बीच में एक चैनल है उसका नाम है इंग्लिश चैनल इंग्लिश इंग्लिश चैनल सॉरी इंग्लिश चैनल और ये है फ्रांस के इधर फ्रांस और नीचे स्पेन है ठीक है यहां पे ये क्या है बे ऑफ बिस्के ये चीज ध्यान रखेंगे आप ठीक है स्पेन जहां पे है वो उस पेनुसला को कुछ कहते हैं उस पेनुसला का नाम आप मुझे बताएंगे ठीक है तो ये चीज आप चेक करेंगे तो गल्फ ऑफ अफ्रीका समझ में आ गया गल्फ ऑफ फिनलैंड समझ में आ गया बोतिया समझ में आ गया ये यह यहाँ पे बाल्टिक सी समझ में आ गया नॉर्थ सीट समझ में आ गया इंग्लिश चैनल समझ में आ गया और बेओबिस के समझ में आ गया ठीक है अब इस सी को क्या बोलते हैं ये आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड है इंडियन एवियशन में बायोफ्यूल से रिलेटेड है उससे पहले मैं बायोफ्यूल से रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ बायोफ्यूल होते क्या है तो बायोफ्यल एक तरीके की फ्यूल है जो कि हम लोग बायो मेटेरियल से बायो मेटेरियल से इसको हम बनाते हैं बायो मेटेरियल मतलब प्लांट्स और एनिमल्स जो प्लांट्स का रेसिड्यू होता है उससे या एनिमल का जो वेस्ट होता है उससे हम लोग बनाते हैं बायोफिल को ठीक है तो ये रिन्यूएबल भी है मतलब इसको हम लोग बार बार बना सकते हैं ऐसा तो नहीं है कि एक बार ख़त्म हो जाएगा फिर दोबारा नहीं बनेगा ठीक है फॉसिल फ्यूल की तरह तो नहीं है मतलब ये रिन्यूएबल है इसे हम लोग, हम लोग बायो मेटेरियल से बनाते हैं अब जो बायोफिल है इसके लिए हम लोग हम लोगों ने एक पॉलिसी पॉलिसी लॉन्च की थी नेशनल नेशनल बायोफिल पॉलिसी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी कब लॉन्च की हमने ये 2018 में लॉन्च की और इसमें हमने 2030 का एक टारगेट दिया था क्या दिया था वो आपको ध्यान होना चाहिए कि 20 परसेंट तक हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग कर देंगे पेट्रोल में और 5 परसेंट तक हम लोग बायो बायोडीजल ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग करेंगे ठीक है मतलब आ, डीजल में हम लोग पाँच परसेंट ब्लैंडिंग करेंगे और ट्वेंटी परसेंट इथेनॉल ब्लैंडिंग करेंगे किस में करेंगे हम लोग पेट्रोल में करेंगे ये चीज आपको ये टारगेट याद होना चाहिए ठीक है अब आपको ये चेक करना है घर पे जाके कि अभी तक हमने ये टारगेट अचीव कर कर लिया अभी कर लिया कि अभी हम करने वाले हैं और अभी करने वाले हैं तो अभी तक हमने कितना किया ये चीज़ आप मुझे चेक करके कर बताएंगे तो पता चल गया बायोफील से रिलेटेड एक पॉलिसी है नेशनल बायोफील पॉलिसी जो कि दो में लॉन्च हुई उसमें टारगेट दिया है कि दो तक हमें बीस इथेनॉल ब्लैंडिंग इथेनॉल uh, ब्लेंडिंग uh, करनी है ठीक है ये चीज आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट चीज देखते हैं हां इसके बाद देखते हैं एक बार लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं इंडियाज एविएशन इंडस्ट्री टू इनकॉर्पोरेट ट्वेंटी परसेंट बायो एविएशन फ्यूल विद इन द नेक्स्ट फाइव ईयर्स ठीक है इसमें नितिन गडकरी जी ने कहा है कि जो हमारी एविएशन इंडस्ट्री है मतलब ये जो एयरप्लेन वाली जो इंडस्ट्री है हम लोग उसमें भी बायोफ्यूल का इस्तेमाल करेंगे कितना परसेंट करेंगे बीस परसेंट करेंगे ठीक है अब इससे फायदा क्या होगा बायोफ्यल बायोफ्यूल का इस्तेमाल से बायोफ्यूल के इस्तेमाल से ये फायदा होता है कि हम लोग जो फ्यूल है मतलब जो हम लोग कंजप्शन करते हैं जो ऑयल का कंजप्शन करते हैं हम उसको घटा सकते हैं ठीक है क्योंकि ऑयल के कंजप्शन में उसके इंपोर्ट में हम लोग के हमेशा हर साल हर साल अराउंड हंड्रेड बिलियन डॉलर्स के आसपास हम लोग के पैसे दूसरे कंट्री में चल जाते हैं ठीक है अब सौ बिलियन डॉलर्स जो हम लोग अपने देश में लगाते हैं तो कितना फ़ायदा होता तो हम लोग सौ बिलियन डॉलर तो दूसरे देश को दे देते हैं ठीक है तो उसमें कुछ परसेंट जब हम इथेनॉल बना के डाल देंगे तो उससे क्या होगा इथेनॉल का प्रोडक्शन कौन करेगा इथेनॉल का प्रोडक्शन कौन करेगा वो करेगा हमारे फार्मर्स ठीक है तो उससे एक तरीके से फार्मर्स को भी फायदा होगा फार्मर्स को भी फायदा होगा और हम लोग को भी फायदा होगा और हम लोग को बाहर से इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा ठीक है तो एक तो हम लोग किसी दूसरे देश पे डिपेंडेंट भी नहीं रहेंगे ऑयल के लिए ठीक है और उससे फायदा क्या होगा कि हमारे फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी ठीक है अभी अब, अब ये जो बायोफिल बनाने के लिए चार तरीके उसको हम लोग फोर्थ जनरेशन में डिवाइड करते हैं फर्स्ट जनरेशन जो होता है वो हम फूड मटेरियल से बनाते हैं फॉर एग्जांपल शुगर केन अब शुगर केन को जब हम फर्मेंट फर्मेंटेट कर देंगे उसके बाद हम उसको बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं उस बायोफ्यूल को हम लोग पेट्रोल में डाल के ब्लैंडिंग करके उसको हम अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है थीके? तो पहले हम यही करते थे पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि शुगर केन को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो शुगर केन भी तो बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्व करता है ठीक है एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है तो एक तरीके से हम पानी को ही मतलब पानी भी तो उस तरीके से वो भी एक रिसोर्स हमारा वो खत्म हो सकता है ठीक है तो एक तरीके से वो भी खतरे में आ जाएगा ठीक है तो ये तो ये तो गलत बात हो गई मतलब इससे तो ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है तो सेकंड क्या है कि हम लोग नॉन फूड आइटम को नॉन फूड आइटम को यूज करें नॉन फूड आइटम मतलब जो स्टबल हो गया जैसे स्टबल बर्निंग का आप सुनते होंगे कि पंजाब में सबसे ज्यादा हो रहा है तो स्टबल बर्निंग मतलब फार्मर्स के पास बचता नहीं है कुछ ऑप्शन की वो करे क्या ठीक है जो पराली बच गई उसका करे क्या तो क्या करते हैं उसको जला देते हैं ठीक है थेके? तो अगर हम उस पराली को खरीद लें और उसको बायोफील्ड में कन्वर्ट कर दें तो उससे फायदा क्या होगा कि फार्मर्स से जब हम लेंगे तो उसके उसके हम लोग उसको पैसे देंगे ठीक है तो एक तरीके से उनका ही फायदा हो गया इनकम भी बढ़ गया पॉल्यूशन भी नहीं होगा पॉल्यूशन भी नहीं होगा और हम लोगों को ऑयल भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा ठीक है मतलब एक तीर से सारे निशाने लगने वाले हैं तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ अब इसमें यही दिया गया कि जब हम लोग पच्चीस बीस तक बायो एविएशन फ्यूल में ब्लैंड कर देंगे तो उसके बाद उसके बाद हर आ, हर टन पे मतलब हर एक टन पे फार्मर को ₹2500 मिल ₹2500 2500 पर टन हर एक फार्मर को मिलेगा उससे ये फायदा होगा ठीक है मतलब जब हम उससे पराली या कुछ भी खरीदेंगे तो उसको हम लोग ₹2500 तक दे सकेंगे हर एक टन पे ठीक है तो ये फायदा होगा इसका इसका 20% बायो फ्यूल में बायो बायोवेशन फील्ड में ब्लेंडिंग करने का ठीक है समझ में आ गया नेशनल बायोफील पॉलिसी समझ में आ गई कब लॉन्च हुआ था ये समझ में आ गया और इसके फायदे क्या क्या ये समझ में आ गया बायोफील क्यों इंपॉर्टेंट ये समझ में आ गया बायोफील है क्या ये समझ में आ गया आपको ठीक है नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बायो बिटोमिन ठीक है तो बिटोमिन क्या है bitumen, मतलब ये सेम बायोफील की तरह ही है ठीक है बिटोमिन क्या है बिटोमिन के बारे में जान लेते हैं हम लोग जो रोड्स में यूज करते हैं वो चारकोल टाइप का जो होता है तो वो विटामिन होता है अभी हम लोग 50 परसेंट जो बिटोमिन है वो बाहर से मंगवाते हैं कितना परसेंट 50 परसेंट हम लोग मंगवाते हैं दूसरी कंट्री से जिसमें हमारे 25 से तीस हजार करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं ठीक है इसमें यही दिया गया तो अभी हम लोग 88 एट लैख टन बिटोमिन का इस्तेमाल करते हैं और अगले साल ये सौ लाख टन पहुंच जाएगा और इसमें जो पचास होता है वो हम लोग बाहर से मंगवाते हैं जिसमें हमारे पच्चीस से तीस हज़ार निकल जाते हैं ठीक है हमारे हाथों से तो अब हमने फैसला क्या लिया है हमने फैसला यह है कि हम लोग पैंतीस बायो विटमिन यूज़ करेंगे मतलब मतलब 35 परसेंट बिटोमिन में बायोविटमिन मिक्स कर देंगे और उसके बाद उसका ब्लेंडिंग करके एक तरीके से उसको यूज़ करेंगे उससे फायदा क्या होगा कि जो बिटोमिन होता है उससे हम लोगों का इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है पर बायो विटामिन से पोल्यूशन भी नहीं होगा हम लोग को इम्पोर्ट भी नहीं करना होगा इम्पोर्ट हमें नहीं करना होगा तो हम हम लोग आराम से दस हजार करोड़ रुपए के आसपास बचा लेंगे ठीक है पैंतीस परसेंट लैंडिंग करने के बाद अब एक बार देख लेते हैं इसके बारे में विटोमिन इज इज अ ब्लैक सब्सटेंस प्रोड्यूस थ्रू द डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल से के डिस्टिलेशन से निकलता है वो एंड इज वाइडली यूज फॉर मेकिंग रोड्स एंड रूफ यही चीज मैंने आपको बताया रोड बनाने के काम आता है सेकंड देख लेते हैं सेंट्रल रोड ये चीज आपको याद रखने की जरूरत है सेंट्रल रोड एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट सी आर आर आई एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून हैड डेवलप्ड बायो बिटामिन फॉम पेडिस्टॉर ठीक है पेडिस्टोर पेडिस्टोर जब हम फार्मर से खरीदेंगे तो उनको भी फायदा होगा ठीक है उसको हम पैसे भी देंगे मुआवजा भी देंगे और प्लस वो लोग पोल्यूशन भी नहीं कर पाएंगे मतलब एक तरीके से सबका ही फायदा होगा और हम लोग को फायदा ये होगा कि हम लोग को इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा और हम लोग एन्वायरमेंट को भी बचा सकेंगे ठीक है तो बायो बिटामिन बनाया किसने बनाया है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून ने ठीक है

वो भी हमारे जो नेवी चीफ है वो ट्वेंटी सिक्स नेवी चीफ है उनका नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जिसको नहीं पता वो नाम उनका याद रख लेगा क्योंकि नाम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है थेके? वो हमारे ट्वेंटी सिक्स नेवी चीफ है कब बने वो भी आप देख सकते हैं ठीक है थेके? अब टाइटल क्या है इसका जो विकसित भारत जो डॉक्यूमेंट है इसका सी एन एस कोर्स टू थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी फोर मतलब एक तरीके से ये रास्ता दिखाएगा कि हमें क्या क्या करना है ट्वेंटी फोर्टी सेवन तक ठीक है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ऑब्जेक्टिव भी रखा गया कि कॉम्बेट रेडियम मिशन में क्रेडिबल कोहेसिव एंड फ्यूचर रेडी नेवी ठीक है तो एक चीज आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो विकसित भारत जो डॉक्यूमेंट है वो

आंध्र प्रदेश में ठीक है जिसको वो कैपिटल बनाने जाते थे ठीक है एक और चीज जान लो आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है पूरे इंडिया में जिसका कोई भी कैपिटल अभी नहीं है ठीक है पर अमरावती को डेवलप कर रहे हैं पहले उसका कैपिटल क्या था हैदराबाद था जो अब तेलंगाना के पास जा चुका है ठीक है नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं प्रेजिडेंट मुर्मू फिजी विजिट अभी इनको इनको ऑर्डर ऑफ फिजी दिया जा रहा है कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी ऐसे करके वो जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फिजी का उसका नाम है ठीक है ये वहां के प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट को द्रौपदी मुर्मू जी को दे रहे हैं ठीक है और फिजी के बारे में जान लेते हैं फिजी में जो फिजी जो है साउथ पैसिफिक एशिया का साउथ पैसिफिक एशिया में जितने भी आइलैंड्स हैं उस ग्रुप का पार्ट है और जो इंडिया का कोई भी हेड ऑफ़ स्टेट पहली बार वहाँ पर जा रहा है ठीक है तो आगे एक बार इसके बारे में देख लेते हैं द ऑर्डर ऑफ फिजी सॉरी द ऑर्डर ऑफ फिजी द कंट्रीज हाईस्ट सिविलियन अवार्ड बाई फिजियन प्रेजिडेंट राटू विलियम मेवली ठीक है कैटोनिवरे थ्री डे विजिट टू विजिट मार्किंग फर्स्ट एवर विजिट बाय इंडियन हेड ऑफ स्टेट इन साउथ पैसिफिक नेशन ठीक है तो फिजी में ये तीन दिन के लिए गई हैं अभी दौरे पे गई हैं कहाँ कहाँ पे गई हैं ये गई हैं फिजी में फिजी के बाद कहाँ जाएंगी ये जाएंगी न्यूजीलैंड में और न्यूजीलैंड के बाद कहाँ जाएगी टिबोल्ड स्टेट ठीक है टिमोल्ड स्टे के बारे में एक चीज़ आपको पता होना चाहिए ये पहले इंडोनेशिया का पार्ट था फिर अमेरिका ने जियो खेली और यहाँ पे इसको एक क्रिश्चन स्टेट बना दिया मतलब इंडोनेशिया तो एक मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है ठीक है वहाँ से आउट कर लिया गया और उसको एक क्रिश्चियन स्टेट बना लिया ताकि वो इन सारी कंट्रीज पे नजर रख पाए और एक तरीके से अपना बेस भी बना पाए ठीक है थीके? तो वही गेम खेलने की कोशिश कर रहा था वो बांग्लादेश में भी जिस जिसकी पोल खोल दी थी किसने बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने उनके खिलाफ को हो चुका है और वो भाग के इंडिया आ चुके हैं ठीक है तो अभी तक का मैंने आपको पूरा जियो पॉलिटिक्स भी समझा दिया ठीक है तो थ्री डे विजिट के लिए गई थी कहाँ पे फिजी में उसके बाद कहाँ जाएंगे न्यूजीलैंड में और उसके उसके बाद कहाँ जाएगी टिमोर लिस्ट में फिजी में इन्हें हाइस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है और ये फिजी में मतलब साउथ पैसिफिक एशियन नेशन में पहली बार इंडिया का हाई आ, इंडिया का इंडिया इंडिया के प्रेसिडेंट पहली बार गए हैं ठीक है आगे देखते हैं प्रेसिडेंट मुर्मू और थ्री नेशन टूर विजिट टू फिजी न्यूजीलैंड में अभी सात से नौ अगस्त तक मतलब अभी वो न्यूजीलैंड में होगी और टिमोर लिस्ट में दस अगस्त को ठीक है नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है नेक्स्ट स्लाइड यही है कि फिजी और इंडिया की पार्टनरशिप बढ़ाने की बात करी जा रही है मतलब ये सब अच्छी अच्छी बातें हो रही है ठीक है नेक्स्ट स्लाइड आगे देखते हैं आगे देख लेते हैं फिजी की लोकेशन देख लेते हैं फिजी की लोकेशन यहाँ पे ये ये फिजी है ये टिमोर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन आपको देखनी है ठीक है टिमोर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन आप देखेंगे इंडोनेशिया ये रहा और इंडिया ये रहा ठीक है ये देखते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग इंडिगो इंडिगो से रिलेटेड क्या फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इट्स इंसेप्शन द एयरलाइन विल इंट्रोड्यूस बिजनेस क्लास सीट्स ठीक है मतलब जो इंडिगो है इसको बजट एयरलाइन माना जाता है तो अब इसमें बिजनेस बिजनेस क्लास सीट्स आने वाली है अठारह साल बाद ठीक है अठारह साल हो गए इसको लॉन्च हुए स्पाइज ये इंडिगो को ठीक है नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड है गवर्नर कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है ये हुई राष्ट्रीय राष्ट्रपति भवन में कहाँ पे न्यू दिल्ली में ठीक है यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात करी गई है यहाँ पे नेशनल गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या चीजें करी जाएगी उसके बारे में बात करी गई है ये कॉन्फ्रेंस था यहाँ पे होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इन सबके स्पीचेस भी हुए प्रेजिडेंट की स्पीचेस भी हुए ठीक है मतलब भी गवर्नर्स हैं हमारे इंडिया के वो लोग मीट करे थे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड साइंस एंड टेक्स है साइंस एंड टेक्स से, से सुक्रालोज के बारे में सुक्रालोज क्या है यह एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है क्या है आर्टिफिशियल स्वीटनर इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होता है तो जो शुगर होता है नॉर्मल शुगर होता है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है बॉडी को वहाँ से बहुत सारे अलग अलग टाइप की बीमारियाँ हो सकती है जैसे हाइपरटेंशन बीमारी भी, हो सकती है प्लस जिसको डायबिटीज़ होता है उसको भी शुगर खाने के लिए मना करा जाता है तो एक तरीके का ये अल्टरनेटिव नेचुरल शुगर है और ये खाने में टेस्ट में एकदम से उसी की तरह है, और ये बहुत कम मात्रा में चीज़ों को बहुत ज़्यादा मीठा कर देता है ठीक है तो अलग अलग टाइप के आर्टिफिशियल न्यू आर्टिफिशियल शुगर होते हैं तो उसमें से एक है सुक्रालोस सुक्रालोस के बारे में क्या है कि बेनिफिशियल है डायबिटिक पेशेंट के लिए जिसको डायबिटीज़ है वो भी इसको खा सकता है हम लोग डायबिटीज़ पेशेंट को शुगर नहीं देते हैं तो उसकी जगह हम लोग आर्टिफिशियल शुगर उसको दे सकते हैं ठीक है इन इंडियन इन इंडियन स्टडी आर्टिफिशियल इंप्रूवमेंट मार्जिनल इंप्रूवमेंट इन बॉडी वेट बॉडी वेट में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है बीपीआई मतलब बॉडी बीपीआई का फुल फॉर्म बी एम आई होगा यहाँ पे ठीक है बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई बीएमआई आई बी एम भी सुधराए और वेस्ट सर्कम फ्रांस भी थोड़ी बड़ी है ठीक तो है तो क्या है एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ वो क्या वो होता है वो एक तरीके से जो स्वीटनर होता है नेचुरल स्वीटनर होता है उसको उसका एक अल्टरनेट है मतलब ये हमारी बॉडी को नुकसान भी नहीं करेगा और उसका जो टेस्ट होता है सेम उसी की तरह होता है ठीक है इसके बारे में एक बार अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ आई थी मतलब करीब तीन चार पाँच महीने पहले ही वहाँ पर डब्ल्यू ने कहा था डब्लू एच ओ ने कहा था कि ये सब जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है ना ये कार्सियोजेनिक है ठीक है मतलब इससे कैंसर होता है ये कैंसर कॉजिंग है बट बाद में अपनी ही रिपोर्ट को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया अब इंडिया ने कहा है कि ये तो भाई फायदेमंद है डायबिटिक पेशेंट के लिए तो और भी फायदेमंद है ठीक है नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कुछ आर्टिफिशियल शुगर के बारे में डाल दिया है कौन कौन सा होता है जो कॉमनली यूज होते हैं और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए पहला तो क्या है स्पार्टिम ये ये जो केन शुगर होता है मतलब केन शुगर एक तरीके का हमने एक यूनिट बना रखा है कि कितना ज्यादा मीठा होगा मीठा नापने की एक यूनिट बना लिया हमने हम लोगों ने केन शुगर से ठीक है तो ये 200 गुना ज्यादा होगा केन शुगर से मीठा ठीक है सेक्रेंड कितना होगा ये होगा 300 से 400 ठीक है गुना ज़्यादा किससे केन शुगर से सुक्र क्या होगा ये छह गुना ज्यादा होगा किससे केन शुगर से ज्यादा मीठा होगा और सबसे ज्यादा मीठा क्या होता है एलिटेम वो कितना है दो हज़ार ज़्यादा गुना ठीक है मतलब इसकी एकदम थोड़ी सी मात्रा डाल दोगे आप तो जो चीज़ है वो कुछ ज़्यादा ही मीठी हो जाएगी ठीक है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए एल ए टीम हम लोग अभी किसकी बात कर रहे थे अभी बात कर रहे थे लोस की ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी है डायबिटिक पेशेंट के लिए भी फायदेमंद है उसको नुकसान नहीं पहुँचाती है नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इंटरनेशनल में क्या क्या है पर्सन न्यूज़ इन न्यूज़ में है ये मतलब क्या क्या पर्सन जो है वो न्यूज़ में खालिदा जिया खालिदा जिया कौन है ये अपोजिशन लीडर थी अपोजिशन की जो अपोजिशन कौन थी बीएनपी ठीक है बांग्लादेश नेशनल नेशनलिस्ट पार्टी ये जो बी है ये एक तरीके से पाकिस्तान पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है और ये एक तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करती है और इंडिया के हमेशा अगेंस्ट में रहती है ठीक है इंडिया के खिलाफ हमेशा बोलती रहती है और ये ये लोग पाकिस्तान से जुड़ने की बात कर लेते हैं ठीक है थीके? और एक अमेरिका भी इसको फंड करता है आप ये भी मान सकते हैं और इसकी लीडर थी ये ये बहुत सालों से हाउस हाउसरेस्ट में थी पर जैसे ही कु हुआ और जो शेख हसीना है वो इंडिया आई ये बाहर निकल चुकी है अपने आप ठीक है अब इससे आप जियो समझ सकते हो कि उन वो सिर्फ प्रोटेस्ट हो रहा था वो सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं था उसके पीछे और भी बहुत सारी चीजें थी ठीक है तो बांग्लादेश न्यूज में क्या है खालिदा जिया की रिहाई का आदेश शेख हसीना के बेटे ने कहा अब राजनीति में नहीं लौटेगी हमें ठीक है ये सेम चीज़ है तो याद ये पहले पीएम भी रह चुके हैं कौन खालिदा जिया ठीक है ये हाउस अरेस्ट में थी बहुत सालों से नेक्स्ट चीज देखते हैं या शनवार ये कौन है यह हमास के अब नए चीफ बन गए कौन बन गए हमास के हमास के नए चीफ बन गए हैं और ये सेवन अक्टूबर वाले में सेवन अक्टूबर वाले में जो कतलेआम मचा था जो लोगों का हुआ था इनोसेंट लोगों का उसमें यह भी शामिल थे ठीक है यह भी एक तरीके का मास्टर थे और इसराइल ने पहले से इनको टारगेट कर रखा है इनको ऐसे ही मारने का प्लान बना रखा है इससे पहले जो चीफ थे उनका नाम क्या था इस्माइल हानिय कौन थे इस्माइल हानिय हमास के चीफ थे जिनको कहाँ मार दिया गया ईरान में ईरान में क्या करने गए थे ये वहाँ के प्रेजिडेंट के जो न्यूली अपॉइंटेड प्रेजिडेंट है वहाँ के प्रेजिडेंट के स्वेयरिंग इन सरमनी में गए थे ठीक है मतलब वो जब शपथ ले रहे थे उसमें गए हुए थे वहाँ पे इनको मिसाइल से मार दिया गया किसको इस्माइल हानियो को ठीक है ईरान के भी पुराने प्रेसिडेंट थे वो मर चुके थे फॉर्मर फॉर प्रेसिडेंट मर चुके हैं फॉर्मिन प्रेजिडेंट का नाम क्या था उनका नाम रईसी है ठीक है तो रईसी किससे कनेक्टेड है अब्दुल रईसी आई थिंक अब उसको एक बार अब्दुल्ला रईसिया से अगर कुछ चेक कर लेना तो उनके फॉरमर प्रेसिडेंट रहे ये और वहाँ पे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे और फॉर्मर जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी मर चुके हैं मतलब फॉरेन मिनिस्टर थे उस टाइम प्लेन में दोनों एक साथ बैठे थे तो उनको मार दिया गया था तो उनका प्रेसिडेंट का नाम तो मैंने आपको बता दिया फॉरेन मिनिस्टर का नाम आपको मुझे बताना है ठीक है ये चीज याद रहेगा इस्माइल हानिया याद रहेगा पहले इस्माइल हानिया कौन थे इस्माइल हानिये हमास के चीफ थे जो कि मर चुके हैं आपको नए कौन बने या ये भी सेवन्थ अक्टूबर वाले में इन्वॉल्व थे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इंडिया जिम्बाबे इन इसके बीच में क्या हुआ है इसके बीच में थर्ड फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन इन हरारे हुए हरारे क्या हुआ हरारे क्या है हरारे क्या है हरारे कैपिटल है? 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 है, है किसका हरारे कैपिटल है जिम्बावे का ठीक है जिम्बाबे और जाम्बिया जाम्बिया ऊपर है जिम्बाबे नीचे जिम्बाबे का कैपिटल का नाम क्या है हरारे हरारे मतलब समझ जाओ हरारे ठीक है तो इनकी मीटिंग हुई है बायोलिट्रल मीटिंग हुई है कहाँ पे हुई है हरारे में हुई है उनके कैपिटल में हुई है ठीक है कि वहाँ की फोटो इंडिया जाम्बे डिस्कस वेज टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन वही मतलब अच्छी अच्छी बातें करेंगे कि हम अपने कॉपरेशन को अच्छा करेंगे बेसिकली जितने भी अफ्रीकन नेशंस है उसके साथ हमारी जो कॉपरेशन है काफ़ी अच्छी है क्योंकि हम लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं चाइना भी बहुत करता है और इंडिया चाइना की एक तरीके से वहाँ पर रेस भी लगी हुई है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसको जिम्बाब्वे की लोकेशन दे दी हरारे इसका क्या है कैपिटल इसके ऊपर है जाम्बिया ठीक है जाम्बिया और जाम्बिया का कैपिटल लुसाका ठीक है जाम्बिया और जिम्बाबे ये याद रखोगे अब आगे देखते हैं यहाँ पे अब दो दो न्यूज़ और हैं जो आपको याद रखनी है जो मैंने यहाँ पे मैंशन करना मैं भूल गया पहला कि आई आई टी डेली आई आई का कैंपस खुलने वाला है कहीं पे वो कहाँ खुलेगा यू में कहाँ पे यू में कहाँ खुलेगा यू में और आई मद्रास आई मद्रास का कैपिटल खुलेगा जांजीबार में जांजीबार में कहाँ पे जानजीबार में जांजीबार कहाँ पे तंजानिया में ठीक तो है तो तंजानिया देखते हैं ये रहा तंजानिया तंजानिया में एक आइलैंड है सेमी ऑटोनोमस रीजन है ये है जानजीबार यहां पे आईआईटी मद्रास का कैंपस खोलने वाला है अभी रीसेंट का ये चीज है तो आ सकता है क्वेश्चन में ठीक है रीसेंट का डेवलपमेंट है क्वेश्चन में आ सकता है याद कर लो आईआईटी मद्रास कहाँ पे तंजानिया के जानजीबार में और आईआईटी दिल्ली टी कहाँ पे यू में ये चीज याद रखोगे दरअसल पोर्ट अगर पूछ लें दरअसल पोर्ट क्या है तो दरअसल पोर्ट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट है किसका पोर्ट है तंजानिया का ठीक है और एक बार देख लेते हैं और कुछ बजा है क्या और आप ये जान लो ये क्या है व्युगाडा ये है तंजानिया और ये है किनिया ठीक है इस तीनों को ये तीनों मिलके एक लेक को घेर लेती है उस लेक का नाम क्या है विक्टोरिया लेक जो कि सबसे लार्जेस्ट लेक है कहा कि अफ्रीका की ठीक है अफ्रीका की सबसे लार्जेस्ट लेक है विक्टोरिया लेक यहां से एक रिवर निकलती है कौन सी रिवर व्हाइट नाइल ठीक है व्हाइट नाइल आगे जाके ब्लू नाइन मिलती है फिर वो आगे जाके मिलके नाइल रिवर बन जाती है ये चीज आपको पता होनी चाहिए लेक विक्टोरिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है ठीक है तो क्वेश्चन आ सकता है भाई देख लो कहाँ से क्वेश्चन पूछा था लेक विक्टोरिया से ठीक है तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन बन सकता है और ये तो मुझे लगता है आराम से बन जाएगा क्योंकि भाई ये तो भी रिसेंट की चीज़ है ठीक है ये तो स्टैटिक का पार्ट था पर ये तो रिसेंट की चीज़ है कि वहाँ पे वो खुल रहा है हम लोग का आई मद्रास का एक कैंपस खुलने वाला है आई आई का कैंपस यू में खुलने वाला है तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए ठीक है थीके? और जो ये है विक्टोरिया इसका इसका बॉर्डर कौन कौन सी कंट्री के साथ लगता है यू ठीक है यू याद रखेंगे यू से युगांडा के से कीनिया और टी से तंजानिया ठीक है युगांडा कीनिया और तंजानिया शायद जो लास्ट ईयर का जो सिक्सटी नाइन बीपीएससी प्रम्स है उसमें ये भी पूछा था कि कौन कौन से कंट्री के साथ लग रहा है बॉर्डर ठीक है एक बार चेक कर लेना पर यह क्वेश्चन आ चुका है ये चीज आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं देखो इजी है ना समझा दिया मतलब जो मैं स्लाइड्स में समझा रहा हूँ इसी इसको या बार बार पढ़ोगे तो आपका लगभग लगभग क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें ठीक है कुछ बचेगा नहीं नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड है आइन एस शल्की ठीक है तो इसका एक सेरेमोनियल वेलकम हुआ इसको रिसेप्शन मिला कहाँ पे श्रीलंका में तो बस आपको इसके बारे में ये पता होना चाहिए और इसके बारे में क्या पता होना चाहिए आपको कि 1992 में इसको कमीशन करा गया था इंडियन नेवी में और एक और चीज़ के बारे में जान लो ये फर्स्ट इंडिजीनियसली इंडिजीनियसली मेड सबमरीन है ठीक है इंडिजीनियसली मेड सबमरीन है ठीक है जो हमने इंडिया में बनाई थी पहली सबमरीन और ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है ये भी चीज़ याद कर लेना डीजल इलेक्ट्रिक

टिम वॉल्स को एज अ वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चुना है ठीक है किसको टिम वॉल्स को तो क्वेश्चन आएगा टिम वॉल्स कौन है तो ये डेमोक्रेट पार्टी से किससे डेमोक्रेट पार्टी से ये वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए एक तरीके से चुनाव लड़े है, ठीक है वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए चुनाव लड़े टिम वॉल्स ठीक है प्रेसिडेंट के लिए कौन है कमला हैरिस कौन है कमला हैरिस और रिपब्लिकन में कौन है रिपब्लिकन में है ऊपर ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के लिए कर रहे हैं ठीक है ठीके? लड़ रहे हैं और जो सेकंड है इनके जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो कौन होंगे जे डी वांस जे डी वांस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ ये वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है कहाँ के रिपब्लिकन पार्टी के तो ओवरऑल हमने सारे टॉपिक्स ले लिए जो टॉपिक्स छूट भी जाएंगे तो हम लोग आगे की क्लास में उसे धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो देखने के बाद आप में आपकी कॉन्फिडेंस में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गया होगा थैंक यू सो मच